क्या आपने कभी किसी को नजरअंदाज किया है? नहीं किया। करना पड़ता है जब कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन हो जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय करके रहते हैं ना, तो उसे इग्नोर करना ही बेटर होगा, क्योंकि आपकी लाइफ नहीं तो डिस्टर्ब होकर रह जाएगी और पूरी लाइफ आप मेंटल प्रेशर से जूझते रहेंगे। तो आई थिंक अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ का तीतर बितर कर रहा है या आपकी लाइफ को एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले आ रहा है, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे इंसान को इग्नोर करना, और अगर इग्नोर नहीं किया ना तो लाइफ टाइम आप उनसे परेशान रहेंगे और ख़ुद की लाइफ को भी डिस्टर्ब करेंगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर दें। उससे पहले आप ऐसे इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, ऐसे हमें खुशी खुशी जीना है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। लेकिन कैसे, चल किसी को इग्नोर करना है तो कैसे करें, कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। हमारा मिशन आपकी लाइफ को ईजी बनाना है, तो जानना है जरूरी, तो वेलकम चुरंगे जिंदगी शेयर पर। अच्छा पता चला प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, तुमको पता है? प्लूटो को पता है? नहीं पता? अरे उसे बताओ यार, वो ड्रॉप प्लैनेट हो गया है, बता दो ना जी। नहीं पता होगा तो वो कैसे फील करेगा? ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, हमें जब तक नहीं पता होता सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तब तक हम हैप्पी होते हैं। लेकिन जहाँ सामने वाला हमारे पीठ पीछे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या फिर हमारे लिए बहुत बैड वर्ड्स यूज़ कर रहा है, जहाँ हमें पता चलना शुरू हो जाता है ना, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हमें लेकिन परेशान क्यों रहना है, हमें उस प्लूटो की तरफ रहना है जैसे उसे पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ पे लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे हमें भी नहीं पता होना चाहिए कि हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो टॉक्सिक है, जो आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज़रूरी है। कैसे? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ, चलिए बताएं। सबसे पहले तो ऐसे इंसान से आपको दूरी बनानी होगी, लेकिन बनाए कैसे? अगर वो रिश्तेदार है तो हमारे तो साथ ही होगा, और अगर फ्रेंड है तो हर दो दिन में आता रहेगा। तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जहाँ हम उनसे बार बार टकराते हैं, मिलते रहते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप उनसे दूरी बना सकते हैं, बस जितनी बात ज़रूरत की है उतनी कीजिए, फंसने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जहाँ आपने थोड़ा भी ज़्यादा बात करना शुरू किया ना, सामने वाला आपको फंसा लेगा, इसलिए उनसे बात ही कम कीजिए। हाँ ना में जवाब दीजिए, उससे ज़्यादा आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे आप दूरी बना लीजिए। अगर आपने ऐसी दूरी बनाई ना तो बस उसे समझ में आ जाएगा कि सामने वाला मुझे ज़्यादा लिफ्ट नहीं दे रहा, तो वो खुद ही दूर हो जाएगा। बिजी होने का एक फ़ायदा तो ये भी है कि आप सामने वाले को आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। आप उन्हें ये बता सकते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, और अगर बिज़ी नहीं भी है ना तो भी आप उन्हें ये रिप्रेजेंट कीजिए कि आप बिज़ी हैं और आप अभी बात नहीं कर सकते। अब अगर सामने वाला आपसे बात करना ही चाह रहा है तो मोबाइल है, मैसेज आ गए, देखना इम्पॉर्टेंट मैसेज, जरूरी मैसेज आ गए हैं, मुझे बात करनी है वगैरह वगैरह, आप फोन के यानी अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाएंगे। उन्हें ये रिप्रेजेंट होने दीजिए कि मुझे इस समय अपने काम से ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी है। एक बहुत सिंपल तो ये भी है कि किसी और से बात करने लगे, आप बात कर रहे हैं लेकिन उसे थोड़ा सा जवाब दे के जो जरूरी था वो रिस्पॉन्स करके हाँ दूसरे से बात करने लगे। ये इग्नोरेंस का सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आपने उसे इग्नोर भी कर दिया और उसे ये रियलाइज भी नहीं होने दिया कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। आप उसे ये रियलाइज कर रहे हैं कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो ऐसे इग्नोर करना भी ज़रूरी है। ऐसे लोगों को ना देख कर भी अनदेखा कर देना चाहिए। जहाँ अगर रिश्तेदार भी है या दोस्त है, कोई भी है ना, अगर आपके पास आना चाह रहा है तो आप उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाइए, उसे अनदेखा कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के सामने पड़ेंगे ना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उतनी ज़्यादा बातें होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट हो जाएंगी, तो उससे अच्छा है तो आप उसे अनदेखा कर दीजिए और अपने काम नज़रअंदाज करके अपने काम में लग जाइए। अब आपका फ्रेंड सामने से आ रहा है तो क्या करना होगा? आप अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, बहुत सिंपल है। रास्ता चेंज कर लेंगे तो वो आपको देख भी नहीं पाएगा, अगर देख भी लिया तो उसे लगेगा उस साइड कहाँ था वो निकल गया, तो इस तरह से आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं।
वो आपको कॉल पे कॉल किए जा रहा है, आपको मैसेजेस टेक्स्ट किए जा रहा है, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं सिंपल सी आइडिया बताती हूँ, क्या आप उन्हें रिप्लाई नहीं करेंगे, आप उनकी कॉल रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ आप थे कॉल रिसीव की ना तो भी बातें बनेंगी, अगर आपने टेक्स्ट मैसेज का रिस्पॉन्स किया तो भी बातें बनेंगी। इसलिए उससे अच्छा है आप रिस्पॉन्स मत कीजिए, आप उन्हें एक्सक्यूज़ दे दीजिएगा कि मैं रास्ते में था या मैं कहीं था। इससे आप उन सिचुएशन से बच सकते हैं। किसी को भी नज़रअंदाज करना बहुत ईजी नहीं होता, क्योंकि आपको उन्हें बताना भी होता है कि आपने उन्हें देखा क्यों नहीं, और उस समय आपको ये रियलाइज़ होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। तो सोचने दीजिए जो वो सोच रहा है, आपको तो उसे नज़रअंदाज करना ही है, तभी तो आप आगे निकल पाएंगे, वो फील करेगा तभी तो आपसे दूरी बनाएगा, है ना। तो उसे फील करने दीजिए और आप वहाँ से निकल जाएंगे। वैसे बात तो बिल्कुल सिंपल है कि आप किसी को इग्नोर ऐसे ही तो नहीं करना चाहिए, बहुत पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, हाँ। लेकिन इग्नोर तभी किया जाता है जब सामने वाला टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता जाए, टॉक्सिक रिश्ता हो, या फिर वो आपको हर बात में हर्ट करता हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करता हो, या वो आपको आगे न बढ़ने देता हो। इन सिचुएशंस में आप उनसे दूरी बनाइए, उन्हें इग्नोर कीजिए, उन्हें अवॉइड कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो मैं खुद भी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए।